यह वीडियो आपका दिमाग तेज कर देगी और ये वीडियो आपके जिंदगी की सबसे जरूरी और सबसे काम की वीडियो होगी। अगर आपकी दिमाग तेज होगी तो ये आपके जिंदगी की हर फील्ड में काम देगी, चाहे पढ़ाई करना हो, कोई जॉब करना हो या बिजनेस करना हो। आप स्कूल या कॉलेज में आराम से टॉप कर लोगे अगर आपका दिमाग तेज रहेगा तो। पूरी वीडियो बस एक बार देख लेना। पूरी वीडियो देखने के बाद अंत में आपको ऐसी जादुई और यूनिक टिप्स मिलेगी जो आपके दिमाग के न्यूरॉन्स को पूरी तरह से एक्टिव कर देगी। हमेशा आप ये क्वेश्चन पूछते हो ना कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी, फोकस और दिमाग के अंदर की न्यूरॉन कनेक्शंस मजबूत हो। तो लो, अभी जो पॉइंट्स आप जानने वाले हो वो हर एक जीनियस और सफल इंसान रोज करता है। वो जीनियस है इसलिए रोज करता है, ये बात गलत है। वो रोज इन कामों को करता है इसलिए वो जीनियस है। इसका मतलब आप भी एक जीनियस यानी बुद्धिमान इंसान बन सकते हो। नंबर 13, उल्टे हाथों से ब्रश करो ताकि नए न्यूरॉन्स बने। जी हाँ, आपने सही सुना, उल्टे हाथों से ब्रश करो। ये एक बहुत अमेजिंग फैक्ट है और बहुत सारे स्टडीज में ये पाया गया है। आपके मन में आ रहा होगा कि उल्टे हाथों से ब्रश करने से दिमाग को क्या फायदा होगा। फैक्ट ये है कि जब भी आप कोई नया काम करते हो ना, नया काम, तब आपके दिमाग में नए नए न्यूरॉन कनेक्शंस बनते हैं। मतलब रोज तो आप एक ही हाथ से ब्रश करते हो, पर अचानक से जब आप दूसरे हाथ से ब्रश करोगे तो आपका दिमाग अलर्ट हो जाता है और कनेक्शंस मजबूत होने लगते हैं। और सिर्फ नए नए न्यूरॉन कनेक्शंस ही नहीं बनते हैं, पर एक्चुअल में नए नए सेल्स का भी जन्म होगा जिससे आपके दिमाग में एक गजब प्रभाव पड़ेगा। तो जब आप सामान्य हाथ से ब्रश करने के बदले दूसरे हाथ से ब्रश करोगे, मतलब अगर आप दाएं यानी राइट हैंड से ब्रश करते हो तब आप बाएं हाथ से ब्रश करो। जब आप ये करना शुरू करोगे तब आप ये नोटिस करोगे कि ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। ब्रश को हिलाने के बदले आप अपने मुंह को ही हिलाने लग जाओगे, पर तब भी इसे करते रहना और हाथों को हिलाने की कोशिश करना। रिसर्च ये बताती है कि रोज तो आप अपने उसी हाथ से ब्रश करते हो जिससे आप डेली करते हो, इसलिए आपका ब्रेन का वही रीजन रोज ऑन होता है। पर जब आप उल्टे हाथ से ब्रश करोगे तो आपके ब्रेन का वो पार्ट एक्टिव हो जाएगा जो सामान्य तौर पर नहीं होता, इसलिए आपका दिमाग और सक्रिय होने लगता है और यहीं पर जादू शुरू होता है। और क्योंकि आप सामान्य से अलग दूसरे हाथ से ब्रश कर रहे हो इसलिए ये आपके क्रिएटिविटी यानी रचनात्मक शक्ति को भी बढ़ाएगा। नंबर 12, सेट गोल्स। यानी जिंदगी में एक अटूट मकसद होना चाहिए। बहुत सारे स्टडीज और रिसर्च में ये पाया गया है कि जब तक आपकी जिंदगी में एक मकसद होता है तब तक आपका ब्रेन फुल पावर से काम करता है, और यही वो कारण है जिसके चलते बुढ़ापे में लोगों की ब्रेन की ताकत कम हो जाती है, क्योंकि उनका जिंदगी का मकसद पूरा हो जाता है। अब जॉब से रिटायरमेंट के बाद कोई क्या गोल रखेगा। कुछ कुछ ज्यादा उम्र वाले लोग तब भी गोल रखते हैं, पर ज्यादातर बुजुर्ग लोग कोई गोल नहीं रखते। जब तक कोई मकसद होता है जिंदगी में तब तक आपके ब्रेन को सिग्नल जाते रहता है कि हाँ, इस शरीर को अभी शक्तियों की जरूरत है जिससे वो अपने मकसद को पूरा कर पाए, और इसलिए आपका वो इंटेलिजेंस यानी बुद्धि बढ़ाता रहता है। और इसके उल्टा अगर कोई मकसद नहीं रखोगे तो उसका उल्टा होगा, आपका ब्रेन और इनएक्टिव हो जाएगा, पूरी ऊर्जा से काम नहीं करेगा। आप कोई भी गोल रख सकते हो, चाहे वो एग्जाम में 90% से ज्यादा मार्क्स ले आना या टॉप करना या किसी जॉब यानी नौकरी को पाना या जॉब में प्रमोशन पाना या किसी रिलेशनशिप का गोल या कोई भी मकसद, और अपने पूरे एनर्जी को उसी गोल की तरफ लगा दो। असल में गोल रहेगी, मकसद रहेगी, तभी आपके शरीर और दिमाग में एनर्जी रहेगी। तो जितने पैशनेट तरीके से आप उस काम को करना चाहोगे आपकी ऊर्जा की स्तर उतनी ही बढ़ती जाएगी और आपका दिमाग तेज होता जाएगा। नंबर 11, डायरी लिखो, यानी अपने जिंदगी को लिखो। इतिहास के जितने बड़े बड़े जीनियस हैं जैसे लियोनार्डो दा विंसी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सब अपने लाइफ के जर्नल को मेंटेन करते थे, यानी अपने जिंदगी को लिखा करते थे। और फिर से यही कहूंगा कि वो जीनियस थे इसलिए वो ये करते थे, ये गलत है। वो इन छोटी छोटी आदतों को मेंटेन करते थे इसलिए वो जीनियस बन गए। दुनिया में जितने बुद्धिमान लोग हैं सब में ये कॉमन पाया गया, रोज डायरी लिखना। आप चाहे तो
असल डायरी में लिख सकते हो, नहीं तो आजकल मोबाइल के अंदर भी आप नोट्स में लिख सकते हो। रियल लाइफ में नहीं लिखना चाहते तो मोबाइल में लिख लो, कोई आपकी पर्सनल बातों को नहीं पढ़ पाएगा बिना आपके पासवर्ड के। पूरे दिन भर में क्या हुआ उसे सोने के पहले एक बार विजुअलाइज करो, याद करो। पर आजकल की दुनिया में तो कई लोगों को ये भी याद नहीं रहता कि आज सुबह मैंने क्या खाया, और कोई याद करने की कोशिश भी नहीं करता क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं है कि ये आपके दिमाग और मेमोरी पावर यानी स्मरण शक्ति को कितना बढ़ा सकता है। अगर आप रात को सोने से पहले अपने लाइफ के बारे में लिखोगे कि आज आपके साथ क्या हुआ, आपने आज दिन भर कैसा फील किया, तो असल में ये आपके दिमाग को रिफ्रेश कर देता है। लिखने के बाद आपको हल्का फील होगा। कुछ अच्छा होता है उसे भी लिखो और कुछ खराब होता है उसे भी लिखो। जब आप सुबह से क्या हुआ ये सोचते हो तो ये आपके मेमोरी को इफेक्ट करता है, आपकी स्मरण शक्ति स्टिम्युलेट होती है। ये मेमोरी तेज करने का एक खास तरीका है, इसलिए आप जिंदगी की घटनाओं को नोट्स में लिखने का ट्राई कर सकते हो ताकि रोज आपके दिमाग की मेमोरी की एक्सरसाइज हो जाए। नंबर 10, प्रोक्रास्टिनेशन बंद करो, यानी कल करूंगा मत कहो। दुनिया के जितने भी कम बुद्धि वाले इंसान हैं, उन सब में ये कॉमन पाया गया है कि वो प्रोक्रास्टिनेट बहुत करते हैं। मतलब कोई भी काम कल करूंगा, कोई भी काम शुरू करना होगा तो कल से करूंगा। ये कल में जीने वाले लोग हमेशा अपने दिमाग का सबसे कम प्रतिशत इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी दिमाग की पूरी शक्तियों पर से ताला खुले, शक्तियां अनलॉक हो और आप असीम शक्तियों का इस्तेमाल कर पाओ, तब आप कल करूंगा वाली आदत को बंद करो। आप कहोगे कैसे करूं यार, कोई आसान तरीका है? फैक्टिक, आप किसी काम को कल करूंगा इसलिए बोलते हो क्योंकि आप सोचते हो कि इतना बड़ा काम है, चलो कल करूंगा। उसे एक हेवी वेट यानी बोझ की तरह लेते हो, इसलिए आपको सब कामों को छोटे छोटे चंक्स में तोड़ देना चाहिए। जैसे अगर ये बार आपका काम है तो इसे 5 भागों में तोड़ दो और एक बार पे फोकस करो। एक पूरी बार के बदले ये सिर्फ उसका एक हिस्सा है, इसलिए आपके दिमाग को ये काम आसान लगेगा और इसलिए कल करूंगा तो दिमाग में आएगा ही नहीं। जैसे अगर आपको पूरी सिलेबस पढ़नी है, ये आपके लिए ऑब्वियसली मुश्किल काम है, इसलिए आपका दिमाग कहेगा कि छोड़ कल से पढ़ूंगा, और आप पढ़ भी नहीं पाते हो। इसलिए पूरी सिलेबस को एज अ होल, एक पूरी सिलेबस के नजर से देखने के बदले एक चैप्टर को देखो, और जब एक चैप्टर को पढ़ रहे हो तब उस समय बाकी चैप्टर्स को भूल जाओ, एकदम भूल जाओ, जैसे वो है ही नहीं, एक चैप्टर है और कुछ नहीं। इससे आपको ये काम आसान लगने लगेगा। और अगर एक चैप्टर पढ़ते समय आप बाकी चैप्टर्स की तरफ ध्यान दोगे कि अरे यार अभी तो आगे इतना पढ़ना बाकी है, तब बस दिमाग बोलने लगेगा कि छोड़ बेटा कल पढ़ना। तो बात वही है, एक चीज पर फोकस करो, और जब एक काम कर रहे हो तो बाकियों को भूल जाओ। काम को बांटने वाला ट्रिक तो जान लिया आपने। अगर कल करूंगा को छोड़ना चाहते हो तो आपको दूसरा काम जो करना होगा वो है वजह को ढूंढो, ट्यून इनटू व्हाई। आप ये काम किस लिए कर रहे हो, पढ़ रहे हो किस लिए? अच्छे मार्क्स लाने के लिए, तो जो उसका रिवॉर्ड है इससे आपको क्या फायदा होने वाला है उसे देखो, तो फिर आपको उस काम को करने का और मन करेगा। अब पढ़ने से आप टॉप करोगे या नहीं ये तो आपके हाथ में नहीं है, पर आप पूरी जान तो लगा दोगे और हो सकता है कि आप टॉप कर भी लो। इसलिए काम को करते वक्त हमेशा उसके फायदों के बारे में सोचते रहो ताकि आपको उस काम को करने का मन करे। तो काम को भागों में तोड़ के एक पार्ट पर फोकस करो और उस काम से क्या फायदे होने वाले हैं उसके बारे में सोचो। इन्हीं 2 पॉइंट से आप कल करूंगा से बच जाओगे और हर काम को पूरे ऊर्जा के साथ कर पाओगे। नंबर 9, प्रेजेंट मोमेंट यानी वर्तमान काल में रिलायंस जियो। आपको तो पता ही होगा कि टेंशन, स्ट्रेस और तनाव जैसी चीजें आपके दिमाग के लिए कितनी खराब चीज है। ये टेंशन एक्चुअली में आपके ब्रेन के लिए एक जहर का काम करता है। टेंशन का सबसे मेन कारण है भूतकालों की चीजों को सोचकर दुखी होना, यानी जो हो गया है उसको सोचकर रोते रहना, या फ्यूचर में कुछ बुरा ना हो जाए इसकी टेंशन लेना। पर कई रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि ये दोनों ही आपके दिमाग के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और आपके दिमाग को फुल पावर से काम नहीं करने देती है। दिमाग फुल पावर में काम एक ही समय करता है जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हो। याद है आपको पहली वाली टिप जिसमें मैंने आपको कहा कि एक काम को टुकड़े में कर दो और उसमें से एक पार्ट पर फोकस करो और बाकियों को भूल जाओ। एक तरह से वो प्रेजेंट मोमेंट में काम करना ही था। प्रेजेंट मोमेंट यानी वर्तमान काल में रिलायंस जियो। भूतकाल और भविष्य काल का टेंशन लोगे तो लेते ही रह जाओगे, उसका कोई अंत ही नहीं होगा। पर असल शक्ति मिलती है वर्तमान काल में, दिमाग की पूरी शक्ति वर्तमान काल में ही मिलती है।
नंबर 8 पावर नैप्स, यानी बीच बीच में छोटी नींद लो। अगर आपको दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट भी फ्री समय मिले ना, तो एक छोटी सी नैप ले लो, मतलब एक झपकी मार लो। असल में इन्हें पावर नैप्स कहते हैं और दिमाग की ताकत को बढ़ाने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। दोपहर या किसी भी समय में आप चाहे तो 15 मिनट के लिए आंखें बंद कर लो। नींद आई तो आई, नहीं तो कांता बाई। नींद नहीं भी आई तो कम से कम थोड़ी देर के लिए एक जगह पर बैठने से आपका शरीर और दिमाग थोड़ा रिलैक्स तो हो जाएगा। असल में फैक्ट ये है कि आपके ब्रेन को ओकेजनल रेस्ट की जरूरत होती है, जो कि रात की नींदिया से उसे पूरी तरह से नहीं मिलती। इसलिए ब्रेन के जितने साइंटिस्ट्स हैं, वो सब दिन के समय छोटी नैप्स की सलाह देते हैं, ताकि थके हुए ब्रेन को थोड़ा सा 15 मिनट का कंप्लीट रेस्ट मिले और वो फिर से पूरी पावर से और इफिशियंटली काम कर पाए। नंबर 7 च्युइंगम्स चबाओ। ये थोड़ा सा फनी पॉइंट है, पर आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए कि च्युइंगम चबाने के असल में बहुत फायदे हैं। च्युइंगम आपके पाचन शक्ति को बढ़ाता है, आपके दिमाग को तेज करता है, पर साथ ही साथ आपके चेहरे को एक शेप में लाता है और चेहरा और भी सुंदर बन जाता है। असल में जब आप च्युइंगम चबाते हो, तब आपका ट्राइजेमिनल नर्व स्टिम्युलेट होता है। ट्राइजेमिनल आपके ब्रेन का वो हिस्सा है जो आपके अलर्टनेस को कंट्रोल करता है, यानी आपके जागरूकता को कंट्रोल करता है। आप जितने जागरूक रहोगे, आपका दिमाग जितना अलर्ट रहेगा, दिमाग उतनी ही तेजी से काम करेगा। तो चबाने के चलते जब आपका अलर्टनेस बढ़ता है, तब आपके दिमाग में ज्यादा खून पहुंचता है। मतलब यही है कि च्युइंगम आपके ब्रेन तक ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है, आपका मुंह चलते रहता है, जिसके चलते ज्यादा खून पहुंचता है और दिमाग और तेजी से काम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर च्युइंगम चबाते रहना चाहिए। हर चीज का एक्सेस खराब होता है, पर कभी कभी दिन में चबा सकते हो। नंबर 6 फोन नंबर्स को मन में याद रखो। जी हाँ, फोन नंबर्स को सेव कर लो, वो मना नहीं कर रहा, पर जब डायल करने की बारी आए तो कॉन्टैक्ट्स में जाने के बदले टाइप करके फोन लगाओ। आपको लग रहा होगा कि ये तो कुछ खास पॉइंट नहीं है, पर दोस्त आपको अंदाजा नहीं है कि जब आप बहुत सारे 10 नंबर के जोड़ी को याद रखते हो, जिसे हम फोन नंबर कहते हैं, तब ये आपके दिमाग पर कितना प्रभाव डालता है। ये आपके मेमोरी को कई गुना ज्यादा तेज कर देगा। आपको पता है कि आपकी मेमोरी यानी याद करने की शक्ति क्यों कमजोर हो जाती है? वो इसलिए क्योंकि आप अपने मेमोरी का इस्तेमाल नहीं करते हो। इसलिए फोन नंबर्स को आराम से सेव कर लो, बस मैथ क्वेश्चंस में कैलकुलेटर उठा लो बस। तो अगर यही आसान चीजें करते रहोगे, तो आपका दिमाग और मेमोरी का एक्सरसाइज कैसे होगा? अगर किसी मशीन को चलाया ही नहीं जाए, तो वो ठीक से काम नहीं करती। मेंटेनेंस करो, तेल डलवाओ, तब जाके वो मशीन काम करेगी। और आप यहाँ सालों से दिमाग का ऑप्टिमम इस्तेमाल ना करके शॉर्टकट्स को यूज करते आए हो, तो कैसे काम चलेगा? इसलिए सभी फोन नंबर्स को याद रखो। दिमाग में ही हर एक नाम के साथ एक फोन नंबर जोड़ दो कि हाँ, ये मेरी मम्मी का नंबर है और ये सुनीता का। ऐसे आपके दिमाग के अंदर ही एक मैप बनी रहेगी और इसका इस्तेमाल भी आप लगभग रोज करोगे, इसलिए आपकी स्मरण शक्ति यानी मेमोरी पावर हमेशा बढ़ी हुई रहेगी। नंबर 5 ग्रैटिट्यूड, यानी शुक्रिया की भावना रखो। ग्रैटिट्यूड के बारे में मैंने पहले भी बताया है। ग्रैटिट्यूड मतलब इस ब्रह्मांड को उन चीजों के लिए थैंक्स बोलना, शुक्रिया कहना, जो जो चीज आपके पास पहले से है। ये एक्चुअली में दिमाग को तेज करता है। आप कहोगे कैसे? असल में जब आप उन चीजों के लिए इस ब्रह्मांड को थैंक्स बोलते हो जो आपके पास पहले से ही है, तो ये आपके दिमाग के केमिकल्स को बैलेंस में लाने में हेल्प करता है। ग्रैटिट्यूड से आप पॉजिटिव होते हो, आप ज्यादा खुश रहने लगते हो। आप कमेंट्स में मुझसे पूछते हो कि फैक्ट एक, गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, कैसे हमेशा खुश रहें। गुस्सा मतलब दिमाग का डिसबैलेंस्ड केमिकल। तो जब आप ग्रैटिट्यूड यानी थैंकफुल होते हो, शुक्रिया कहते हो, तब दिमाग के अंदर के केमिकल्स बैलेंस में आने लगती है और इस अवस्था में आपका फोकस और इंटेलिजेंस दोनों बढ़ जाता है। अगर आप उन चीजों के लिए ग्रेटफुल नहीं रहोगे जो आपके पास पहले से ही मौजूद है, तब आपको वो चीजें भी नहीं मिल सकती जो आप चाहते हो। एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें ये पता चला था कि जो लोग 80 या 90 साल तक जीते हैं, उनका सीक्रेट यही है।
आपको यकीन नहीं होगा कि जो लोग लंबी उम्र जीते हैं 90 साल 100 साल उनमें से ज्यादातर लोग उस चीज के लिए इस ब्रह्मांड को थैंक्स बोलते थे जो उनके पास पहले से ही है और इसके चलते उन लोगों को उनकी लाइफ में सब कुछ मिल गई जो वो चाहते थे क्योंकि वो हमेशा उन चीजों के लिए खुश रहते थे और थैंकफुल होते थे जो उनके पास पहले से ही है। मतलब ये आपके दिमाग पर ही नहीं पूरे शरीर पर पॉजिटिव यानी सकारात्मक प्रभाव डालता है। नंबर 4, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो यानी गहरी सांस व्यायाम। ये आपके लिए सबसे जरूरी है। ऑक्सीजन आपके दिमाग के लिए कितना जरूरी है इसका आपको कोई अंदाजा नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि वो हमेशा क्लियर फील नहीं करते, उनका दिमाग हमेशा भारी फील करता है, फैटीग लगता है, जाम लगता है, ऐसा लगता है कि दिमाग में ट्रैफिक जैम हो चुका है। इसका नंबर 1 कारण है ऑक्सीजन की कमी और ऑक्सीजन का कम संचालन। वजन के मामले में आपका दिमाग आपके शरीर का सिर्फ 2% है पर ये आपके शरीर के पूरे ऑक्सीजन का 20% इस्तेमाल करता है। इसका मतलब ऑक्सीजन आपके दिमाग का पेट्रोल है, इसलिए डीप ब्रीदिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। सुबह उठने के बाद 2-3 मिनट मेडिटेशन के पोज पर बैठकर सांस लेना, इससे आपके दिमाग में नॉर्मल के मुताबिक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी और सुबह 2-3 मिनट से ही इसका प्रभाव आपके दिमाग और शरीर पर दिन भर रहेगा और इसके चलते आपको पढ़ाई में मन भी लगेगा। अगर जॉब है तो अच्छे से काम कर पाओगे और थकावट नहीं होगी क्योंकि सुबह सुबह आपने ऑक्सीजन से अपने शरीर को स्टिम्यूलेट कर दिया है, इसलिए गहरी सांस व्यायाम जरूर करें। नंबर 3, सपनों को रिव्यू करने की कोशिश करो। सपनों को रिव्यू करो सुनने के बाद आप ये कहोगे कि फैक्टिक सपनों को याद क्यों करो। इसके पीछे की वजह ये है कि आपका दिमाग दिन भर बिजी रहता है अपने कामों को करने में, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो या बिजनेस। पर बात ये है कि जितना एक्टिव आपका दिमाग दिन के वक्त रहता है, जितनी हलचल दिन में आपके दिमाग के अंदर होती है, लगभग उतनी ही हलचल रात को जब आप सोते हो तब भी होती है। मैंने लगभग कहा, मतलब हलचल थोड़ी सी कम होती है पर अच्छी खासी हलचल सोते वक्त भी होती है। पर ये हलचल असल में आपके बहुत काम की है। पर ये हलचल आखिर है क्या? जब आप सोते हो तब आपका सब कॉन्शियस दिमाग अंदर ही अंदर काम करता रहता है और आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने लगता है। आपके दिमाग में सोते वक्त भी कुछ न कुछ प्रोसेस चलता रहता है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस चलता रहता है और तभी आपको उसी दौरान सपने आते हैं और सपनों को आप इग्नोर कर देते हो। और प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग अपने सपनों को याद ही नहीं रख पाते, सुबह उठने के साथ ही भूल जाते हैं। पर जिस तरह मोबाइल नंबर्स याद करने से आपका मेमोरी स्टिम्युलेट होता है, उसी तरह जब आप सपनों को याद करने की कोशिश करते हो तब आप अपने दिमाग के बड़े गहरे स्तर को टच करते हो जिससे आपकी स्मरण शक्ति एक गजब तरीके से स्टिम्युलेट होती है। इसलिए सुबह उठने के बाद थोड़ा सोचो कि आज मैंने सपने में क्या देखा। नंबर 2, उठने के बाद अपने शरीर को हाइड्रेट करो। 3 से 4 ग्लास पानी पियो। ये प्रोबेबली नहीं, एक्चुअली में आपके दिमाग के लिए सबसे जरूरी चीज है। आपका दिमाग 73% पानी का बना हुआ है पर हम में से ज्यादातर लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते। आपको ये पानी वाला फैक्ट पता है तब भी आप इस पर ध्यान नहीं देते। सिर्फ इसी पॉइंट के लिए नहीं, असल में जितने टिप्स है दिमाग तेज करने के सब कहीं ना कहीं आपको पहले से ही थोड़ा मोड़ा पता है, कॉमन बातें हैं ये। पर असल में मैं उसी चीज को आपको फिर से याद दिला रहा हूँ ताकि आप इनके फायदों को गहराई से समझो और कम से कम इसे करना शुरू करो ताकि आपका ब्रेन एक सुपर ब्रेन बन सके। नंबर 1, मल्टीटास्किंग को बंद करो। एक बार में एक ही काम पर फोकस करो। आजकल की दुनिया में ये बहुत वर्ड चला है, मल्टीटास्किंग, मतलब एक साथ बहुत सारे कामों को संभालना। एंड्रॉइड फोन में एक टैब में व्हाट्सएप खोल लेते हो, एक टैब में ब्राउजर में डाउनलोडिंग हो रहा है और एक टैब में वीडियो एडिट हो रहा है ना? आपका दिमाग एक समय में एक ही काम करने के लिए बना है। 2 नाव पर पैर रखोगे तो ना घर के रह, अरे ये डायलॉग बहुत पुराना हो गया यार, कुछ नया बोलता हूँ, ना धरती के रहोगे और ना ही मंगल के। जो मैंने कल करूंगा वाले में बोला था ना कि जब आप एक काम कर रहे हो तो दूसरे के बारे में मत सोचो, उसी से रिलेटेड है ये। आपका फोकस तभी सबसे ज्यादा होता है जब आप एक काम को महत्व वैल्यू देते हो
इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए फिर से कहूँगा एक समय में एक ही काम करो ताकि अपने दिमाग का आप एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सको और दिमाग की पूरी शक्तियों को अनलॉक कर सको, उसका ताला तोड़ पाओ। ये सारी टिप्स आपको दिमाग तेज करने में हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करना मत भूलना।